हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। वीडियो वैसे तो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जो आपके साथ में ये मैंने जो थाली शेयर की थी आप सभी ने बनाई या नहीं मुझे कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ खाना हो जाने के बाद का मैंने आपके साथ में रूटीन शेयर करने का वादा किया था, तो बस यही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। खाना हम सब का हो चुका है, सब अपने अपने काम पर लग चुके हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी कॉलेज जा चुकी है और बेटा जो है वो अपने काम पे लग चुका है। तो बस यहाँ मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले किचन में आने के बाद में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी है, बस उसे अच्छे से पोंछ करके मैं उन्हें उन सब चीज़ों को जगह पे रखूँगी। जैसे घी मैंने यूज़ किया था तो उस की जार को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और लाइटर को भी अच्छे से पोंछ दिया है। जो भी चीज़ें धोने वाली हैं वो सिंक में मैंने एक एक करके डाल दी है। और यहाँ सब्जी जो भी बची थी बस उसको मैं सबसे पहले बर्तन छोटे बर्तनों में निकाल दूँगी और बड़े बर्तन डाल दूँगी धोने में, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें बर्तन तो वैसे भी धोने ही हैं। तो बस खाना यहाँ सबसे पहले निकालने के बाद में इन सारे खाने को मैं रख दूँगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ढक के, जिससे वो प्लेटफॉर्म क्लीन होगा तब तक उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा। और यहाँ जो आटा यूज़ किया है बस उसी को मैं निकाल रही हूँ और बर्तन जो है जहाँ जिसमें आटा मैंने लगाया था उसे मैंने धोने में रख दिया है और आटा रख दिया है मैंने इस डब्बे में और इसी में रखती हूँ मैं पलथन। और रोटी बनाने वाला चकला जो है उसे उसको भी मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है सिंक के पास में। और खाना अब फटाफट से रखूँगी और उसके पहले यहाँ मैंने ये कास्ट आयरन का तवा है जिसपे मैंने ब्रेड सेके थे सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में, तो उसको भी मैंने वॉश नहीं किया है, सिर्फ मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि कास्ट आयरन का डेली बेसिस पे वैसे भी पोंछा तो धोया जाता है नहीं, क्योंकि उसकी प्रोसेस उसको वापस सीजन करो ये करो बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए उसे मैंने रख दिया है पोंछ करके, थैली लगा दी है जिससे गंदा ना हो और जिस प्लेटफॉर्म को मुझे क्लीन करना है उस नैपकिन को भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है। और यहाँ प्लेटफॉर्म क्लीन करने के लिए मैं जो लिक्विड यूज़ करती हूँ तो चलिए वो भी आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। कभी कभी मैं विनेगर वाला और विनेगर सोडा और लिक्विड ये तीन को यूज़ करके भी बनाती हूँ। और अब फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ इस लिक्विड पे, ये है एम्बे का लिक्विड। मुझे रियली ये लिक्विड बहुत ही अच्छा लगा तो सोचा आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ स्प्रे बॉटल में मैंने ले लिया है एम्बे का लिक्विड, तकरीबन एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही है और उसमें पड़ेगा अभी ढेर सारा पानी। देखिए, यहाँ मैं एम्बे का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना मैं उनका ऐड कर रही हूँ, बस मैं जो यूज़ कर रही हूँ वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये सच में गाइस बहुत ही अच्छा है और ये ग्रीस को तो बहुत ही जल्दी से क्लीन कर लेता है, मिट्टी हो या चाहे ग्रीस हो बहुत ही फटाफट से क्लीन हो जाता है। और मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। विनेगर वाला भी अच्छा है लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे उससे भी ज़्यादा बेटर लगा। तो चलिए, ये स्प्रे बॉटल में मैंने पानी मिला दिया है और लिक्विड हो गया है रेडी। तो यहाँ सबसे पहले मैं गैस को और क्लीन करने के लिए सबसे पहले उसमें जो जालियाँ लगी हुई हैं बस उनको मैंने निकाल दिया है और लिक्विड को मैंने गैस पे, और गैस के सामने ही मेरी स्लाइडिंग विंडो है बस उस पर भी मैंने स्प्रे कर दिया है, क्योंकि खाना बनाते वक्त हम जब भी छौंक वगैरह लगाते हैं ना तो इस तरह से विंडो बंद रहती है, वहाँ के ग्लास पे बहुत ज़्यादा उड़ जाता है, सारी चिकनाई भी लग जाती है, तो बस उस पर भी मैंने स्प्रे डाल दिया है। और अभी मैं 2 से 3 सेकेंड के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी और उसके बाद में इन सबको करूँगी क्लीन। और क्लीन करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्लीनर ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी इससे जो ग्रीस और चिकनाई जो है ना वो बहुत जल्दी फटाफट से छूट जाता है और बहुत जल्दी फटाफट से क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कांच की विंडो पे पानी डाल के अच्छे से वॉश कर दिया है और गैस को भी अच्छे से धो दिया है। और वैसे तो गैस को चूल्हे को धोना नहीं चाहिए, गैस वाले मना ही करते हैं, लेकिन क्या करें यार, हमारी इंडियन कुकिंग आप जानते ही हैं बहुत छोंक छांक वाली रहती है, घी तेल का यूज़ इतना ज़्यादा रहता है कि हमें हफ्ते में एक बार तो ऐसा लगता है धोना ही चाहिए। तो बस मैंने यहाँ धो दिया है और जब तक ये पूरी तरह से ख़राब नहीं हो जाता तब तक तो मैं पक्का इसे धोने ही वाली हूँ। और
और वैसे तो अभी मैंने धोना बहुत ही कम कर दिया है। आप सब कैसे क्लीन करते हो अपने गैस को, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, यहाँ साथ ही साथ मैंने प्लेटफॉर्म पे भी डाल दिया था वही स्प्रे जो आपको मैंने दिखाया, और उसके बाद में मैंने पानी से अच्छे से प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया है और सारा पानी मैंने निकाल दिया है और प्लेटफॉर्म को कर दिया है एकदम पोंछ पाछ के चकाचक, आप देख सकते हैं। और चलिए, यहाँ वाला जो ये प्लेटफॉर्म जो अच्छे से क्लीन हो चुका है, और लगे हाथों सोचा यहाँ तेल और के जो चीज़ें जार वगैरह मैं रखती हूँ, बस वहाँ पर भी थोड़ी मिट्टी और चिकनाई जैसा लग रहा था, तो सोचा लगे हाथों 2 ही मिनट तो लगने वाले हैं ना, चलो साथ में ही क्लीन कर लेते हैं और आपके साथ में ये जो स्प्रे है वो भी शेयर कर लेते हैं। तो बस यही स्प्रे जो है उसे मैं डालूंगी। और यहाँ तेल की बॉटल वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें हल्का सा भी थे थोड़ा बहुत तो देखिए ऑयल गिर ही जाता है या लग ही जाता है। तो ये स्प्रे डालने से बहुत ही जल्दी, फटाफट से देखिए, बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाता है और आपका किचन जो है बिल्कुल भी ग्रीस फ्री हो जाता है, चिकनाहट बिल्कुल भी रहती ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ से यहाँ पर 2 सेल्फ है जिसपे मैं 2 तरह के तेल यूज़ करती हूँ। एक में है मूंगफली का तेल और एक में मस्टर्ड ऑयल, नमक है और साथ में कुछ एक अचार के डब्बे हैं जो मैं हमेशा ही मेरे प्लेटफॉर्म पे रहते ही हैं, क्योंकि हर किसी को कभी खाने में चेंज चाहिए, तो अचार तो मेरे घर का एक मेन पार्ट है। और यहाँ उसके नीचे ही मैंने एक हुक पे लगाए हैं ढेर सारे जो स्टैंड है गरम बर्तन, गरम खाना, गरम चीज़ें रखने के लिए, तो बस उसको मैं इस तरह से हुक पे लगा के रखती हूँ। तो उस जगह को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है स्प्रे के साथ में। हाँ, मैं जो आपको अचार दिखा रही हूँ, ये अचार मैं जलाराम होटल में गई थी, बस वहाँ से ही मैंने बाय करे थे, बस ये वहीं वाले अचार हैं। तो ये कॉर्नर भी छूट गया तो लगे हाथों बस उसी को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये स्प्रे से बहुत जल्दी जल्दी बहुत फटाफट से सब कुछ क्लीन हो जाता है, और जो चीज़ें जहाँ से ली है बस वहाँ मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉर्नर है किचन का प्लेटफॉर्म का, जो जहाँ पर मेरा खाना बनता है और कुकिंग वीडियोस शूट होते हैं, बस ये सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी है। तो खाना मैंने सेट कर दिया है दूसरे प्लेटफॉर्म से लेकर के गैस वाले प्लेटफॉर्म पे, और जालियाँ भी हल्की सी सूख चुकी थी तो उसे भी लगा दिया है, और ये जो ऊपर वाली जो जाली है बस उसे भी मैंने पानी से ही वॉश कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं है, और उसे मैंने रख दिया है ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे, जिससे वो सूख जाएंगी तब मैं लगा दूंगी। और ये है हैक जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे हम स्टील का जो रैक यूज़ करते हैं ना, उससे टाइल्स पे इस तरह के लाइंस मार्क्स बहुत आ जाते हैं, तो बस उसी के लिए मैं क्या करती हूँ, तो चलिए ये है टेप, उसको यूज़ करके मैं एक DIY जैसा ही बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले रैक को हम वॉश कर लेंगे। वॉश वैसे तो एक हफ्ते पहले ही किया था, अगर आपने नहीं किया है, आप इस तरह से स्टील वाला रैक यूज़ करते हैं तो उसे अच्छे से साबुन से सबसे पहले वॉश कर दीजिए और अच्छे से उसे पोंछ करके एकदम सूखा कर लीजिए। और उसके बाद में मैंने जो आपको टेप बताई, जो बच्चों वाला घर रहेगा उसके घर में इस तरह की टेप तो मिल ही जाएगी, क्योंकि बुक्स वगैरह लगाने के लिए, कवर लगाने के लिए हम इस तरह का ही टेप यूज़ करते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, और उसे हम जहाँ पर जो जो टाइल्स पे ये रैक छूता है उस पोर्शन को हम इस तरह से टेप लगा करके रेडी करेंगे। उससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा कि ये जो टाइल्स पे दीवारों पे जब ये टकराएगा ना, तो टेप वाला पोर्शन है ना वो लगेगा, उसकी वजह से जो स्टील का जो पोर्शन है वो लगेगा नहीं, और ये दीवार पे जो लाइंस बन जाते हैं, मार्क्स बन जाते हैं, वो आपके बनेंगे नहीं, और आपका किचन की टाइल्स जो है उसकी लाइफ भी थोड़ी बच जाएगी। और ये देखने में भी ये मार्क्स बहुत ही गंदे और भद्दे लगते हैं। तो बस यहाँ मैंने लगा दी है टेप, और ये बहुत ही जल्दी नहीं निकलती है गाइस, ये कम से कम आराम से 1 से 2 महीने के बाद निकलेगी। आपका एक्चुअली काम कितना ज़्यादा पानी बर्तनों में रखते हो, कंटिन्यू पानी में रखते हो, तो आपके आराम से 15-20 दिन तक तो ये टेप बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं।
तो चलिए अब करते हैं बर्तन धोने की तैयारी। तो बर्तन धोने के लिए सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ बर्तन में से जितना भी जूठा जो है वो सारा का सारा अच्छे से पहले वॉश करके सारी चीज़ें निकाल देती हूँ, और उसमें जितना भी जूठा रहेगा ना वो सारा का सारा सिंक में के नीचे जो मैंने एक जाली रखी है उसमें सारा का सारा जूठा आ जाएगा, जिससे है ना मुझे क्लीन करने में काफ़ी आसानी रहती है और सिंक के अंदर सारा जूठापन जो है वो जाता भी नहीं है। और इस तरह से प्लास्टिक बैग में मैं सारा का सारा जितना जूठा है वो सारा जाली से निकाल दूंगी और सिंक को एकदम से कर दूंगी खाली और क्लीन। और बर्तन सारे मैंने ले लिए हैं, बर्तन आप देख सकते हैं मेरे हाथों से बर्तन बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, और कचरा ये जो है सारा डस्टबिन में डाल करके सबसे पहले मैं करूँगी सिंक को क्लीन और सिंक को अच्छे से वॉश कर दूँगी और जाली जो है सिंक की उसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी, और उसके बाद में फटाफट से सारे एक एक करके जो बर्तन है उसे घिसती जाऊँगी और जितने जितने मेरे सिंक में रहते हैं बर्तन उतने मैं डालती जाऊँगी घिसती जाऊँगी धोती जाऊँगी। और मैंने बर्तन का स्टैंड रख दिया है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा विंडो नज़दीक है तो उससे ज़्यादा हवा भी आएगी और बर्तन भी बहुत ही जल्दी से और फटाफट से सूख करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ मेरे कांच के बर्तन हो चाहे मेरे स्टील वाले बर्तन हो, जो भी बर्तन हो प्लास्टिक के हो या चाहे कोई भी हो, मैं एक साथ में ही धोने में डालती हूँ, ये मेरी वीक पॉइंट है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि कांच के बर्तन अलग से रख देते हैं और उसे पहले ही धो के ले लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम होता है, लेकिन मैं अपने हाथों से काम करती हूँ ना तो बस मुझे इतना समय ही नहीं रहता कि मैं बर्तनों को सबको अलग अलग कर दूँ और सेपरेट करके धोऊं, तो बस मेरे हाथों से टूटते और फूटते भी बहुत ज़्यादा बर्तन हैं। तो यही रीज़न है अगर आप धोते हैं तो आप ज़रूर से इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कांच के बर्तन अलग से पहले अलग कर लो और उसको सबसे पहले वॉश करके ले लो और उसके बाद में स्टील वाले या फिर प्लास्टिक वाले आप वॉश कर सकते हैं। मेरी तरह शायद करोगे तो हो सकता है उसमें से एक या दो चीज़ तो पक्की सी टूटनी या फूटनी है, डेली बेसिस पे नहीं फूटेंगी लेकिन कभी ना कभी तो फूटती है। और चलिए इसी तरह से सारे बर्तन मैं फटाफट से सारे वॉश कर दूंगी। और यहाँ देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं, तो सबसे पहले जो भी साबुन मैं यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए एक्सो का ले आई हूँ इस बार बार, और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा तो बस उसको मैंने अच्छे से पानी डाल के वॉश कर दिया है। और बर्तनों का जो स्क्रबर है उसे भी मैंने वॉश कर दिया है और प्लेटफॉर्म और टाइल्स को मैंने अच्छे से साबुन से धो दिया है, और बस उसी एरिया को सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पानी डाल के वॉश कर दूंगी और फिर बाद में पोंछ दूंगी, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत भी सिंक में कचरा है बस उसको मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। कुछ इस तरह के ही रूटीन रहते हैं मेरे, और खाना खाने के बाद में तो शायद सबके ही रूटीन ऐसे ही होते होंगे, बस हाउस वाइफ हो तो बस ये डेली बेसिस के ये छोटे मोटे काम रहते हैं। और ये देखिए सिंक में जो कचरा था वो मैंने फेंक दिया है, और सारी चीज़ें हो जाने के बाद में मैं कर देती हूँ हाथ को अच्छे से वॉश। तो देखिए यहाँ मेरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, और थोड़ा बहुत पानी अभी बर्तन गीले हैं तो आने ही वाला है, तो इतना मैंने वाइप आउट नहीं किया है, वो कॉर्नर ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के अंत तक, शायद आज की वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।